दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली, होप सब स्वस्थ है और मस्त है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैची डिस्क। ये कई किसान भाइयों ने कहा कि वो प्लांक्टोन्स मीजर नहीं कर पाते, प्लांक्टोन नेट नहीं है। तो प्लांक्टोन नेट से तो आप उसकी डेंसिटी मीजर कर सकते हैं, किस मात्रा में प्लांक्टोन है वो भी इजिली अवेलेबल रहता है। बट ये और उससे थोड़ा फाइन कह सकते हैं, या कह सकते हैं और लेमेन तरीके से, आप अपने पानी की थिकनेस, पानी में टर्बिडिटी है, पानी के प्लांक्टोन क्या लेवल है और पानी की क्वालिटी क्या है, ये आप एक लेमेन की तरह भी जज कर सकते हैं, जो एक किसान के पास होनी चाहिए। इसकी कॉस्ट हार्डली 1000 रुपये होती है, ये अमेजोन पे आपको अवेलेबल रहेगी। तो इसका सबसे अच्छा क्या रहता है, इसको हमने 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है कि अगर जब हम इसको देखिए पानी में हम ऐसे डालते हैं, जब हम इसे पानी में डालते हैं और ये हमें जब तक दिखनी बंद हो जाए, अभी दिख रही है, जब हमें दिखनी बंद हो जाए इसको नीचे पानी से टच कराएं और हम इसको मीजर कर लें ऐसे। ये तकरीबन हमारा 8 सेंटीमीटर करीब होगा, क्योंकि मैं मीजर करता रहता हूं। अगर हमारा ये 8 इंच होगा तो मोर देन 15 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अगर ये हमारा 15 सेंटीमीटर से कम में ही हम इसको, सपोज कीजिए हमने ऐसे इसको डिप किया और हमें यहीं पे दिखनी बंद हो जाती, तकरीबन मात्र इतने पे ही वो बता सकते हैं। तो समझ लीजिए कि आपकी पानी में इनफ मात्रा में प्लांक्टोन्स अवेलेबल हैं, या ये भी कह सकते हैं टर्बिडिटी भी ज्यादा हो सकती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, अगर टर्बिडिटी होगी तो पानी में आपके पूरे मट्टी के कण आ जाएंगे। अभी आप देखिए पूरा पानी क्लीन आ रहा है आपका, राइट। अगर टर्बिडिटी होगी, अगर इनफ मात्रा में प्लांक्टोन्स रहेंगे, वो मेजर तो प्लांक्टोन से जो नेट है उससे होगा, लेकिन इससे आप वाटर की थिकनेस देख सकते हैं। अगर 15 सेंटीमीटर के कम ही ये आपको दिखनी बंद हो जाती है तो आप फर्मेंटेशन स्टॉप कर दीजिए, आपके यहाँ पे एल्गी एक्स्ट्रा हो रही है, या तो आप उसमें कुछ ऐसी फिश ऐड कीजिए कि जो उसको कंज्यूम करे, या आपका न्यूट्रिशन ज्यादा लीच हो रहा है वाटर में, इनफ मात्रा में नेचुरल फूड आपके वाटर बॉडी में डेवलप हो रहा है। अगर हम इसको वाटर में डालते हैं और ये हमारी तकरीबन 15 से, ये देखिए वही तकरीबन जो पहले भी रीडिंग थी उतने ही में ये मेरे को डिसअपेयर हो जाती है, 15 से 30 सेंटीमीटर तक ये आपको डिसअपेयर हो जा रही है, आपके क्वाड्रेंट्स दिखने बंद हो जाते हैं जो इसके ब्लैक व्हाइट है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी पानी में ऑप्टिमम प्लांक्टोन्स मात्रा अवेलेबल है। वो जितने डेवलप हो रहे हैं मछली पहले ही उनको कंज्यूम भी कर रही है और वाटर क्वालिटी भी आपकी अच्छी है। लेकिन अगर ये 40 सेंटीमीटर भी आपको दिख रही है तो आपको हाई अलर्ट हो जाना चाहिए, आपके पानी की न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी जीरो है, उसमें कोई नेचुरल फूड नहीं है। तो आपको प्लांक्टोन फॉर्मेशन की, फर्मेंटेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, आपको वो वीक में 3 से 4 बार करने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो कार्प्स का पालन है, कार्प्स के पालन में नेचुरल फूड का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो ये हार्डली एक बहुत ही सस्ता सा इक्विपमेंट है, आप इसको मतलब खुद भी बना सकते हैं या अमेजोन से भी ले सकते हैं। तो ये जस्ट एक मैंने एक डेमो था सैची डिस्क को लेके जो मैंने आपको शेयर किया। तो अपने फार्म पे आप जरूर रखें इसे, जिससे कि आप पानी की थिकनेस प्योरिटिकली 10 दिन में 15 दिन में एक बार जरूर मीजर करें, तो आप जज कर पाएंगे कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्मेंटेशन चल रही है। मेरी फर्मेंटेशन की फ्रीक्वेंसी वीक में 2 बार है, हर थर्ड डे मैं फर्मेंटेशन करता हूं और ये वाटर पैरामीटर, और वीकली या 10 डेज में सारे पैरामीटर्स आपके डीओ, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्राइट, पीएच, एल्कलिनिटी सब मैं चेक करता हूं। तो इतनी बड़ी वाटर बॉडी के भी मैं इनफ वाटर मतलब सारे पैरामीटर्स को मेंटेन रखता हूं। बने रहें अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्म से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।